चीनी उद्योग के संगठन इस्मा ने कहा है कि अक्टूबर दिसंबर की अवधि के दौरान देश का चीनी निर्यात लगभग 4 गुना होकर 17 लाख टन पर पहुंच गया है। इस वृद्धि का कारण देश से मांग का बढ़ना है। अब तक चीनी मिलों द्वारा निर्यात के लिए 38 से 40 लाख टन का अनुबंध किया गया है। मिलें अब आगे के अनुबंधों के लिए वैश्विक कीमतों में सुधार का इंतजार कर रही हैं। चीनी के लिए मार्केटिंग ईयर अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। इस्मा ने एक बयान में कहा है कि बाजार की रिपोर्ट और बंदरगाह की जानकारी के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान लगभग 17 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान लगभग 4.5 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया था। इस्मा ने आगे बताया है कि इस महीने लगभग 7 लाख टन चीनी निर्यात के लिए पाइपलाइन में है। इस्मा का कहना है कि ब्राजील में आगामी सत्र 2022-23 अप्रैल से मार्च में उम्मीद से बेहतर उत्पादन की खबरों के बीच कच्ची चीनी की वैश्विक कीमतों में और गिरावट आई है और मौजूदा समय में ये 5 महीने के निचले स्तर पर लगभग 18 सेंट प्रति पाउंड पर है। एसोसिएशन के अनुसार भारतीय मिलें उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कर रही हैं और आगे के निर्यात अनुबंधों के लिए उन्हें कोई जल्दी नहीं है। अब तक 38 से 40 लाख टन चीनी निर्यात के अनुबंध किए जा चुके हैं। इस्मा ने कहा है कि देश ने चालू विपणन वर्ष 2021-22 में 1 अक्टूबर 2021 से 15 जनवरी 2022 की अवधि के बीच 151.41 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है, जबकि पिछले विपणन वर्ष की समान अवधि में 142.78 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।